या जय श्री राम। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन जी से तिलक करे रघुवीर। तो इस पावन धरा पे मैं खड़ा हूँ जहाँ पे राम भगवान ने 11 वर्ष का वनवास काटा था और अपने 14 वर्ष के वनवास में ये है चित्रकूट धाम करवी। यहाँ पे उतरना पड़ता है और आगे का रास्ता हम आपको बताते हैं। तो ये रहा चित्रकूट का रेलवे स्टेशन। बराबर सिया रामचंद्र जी का मंदिर दिख गया हमें स्टेशन के जस्ट सामने में, और ये पूरा बाहर का सीन यहाँ के कुछ। चित्रकूट धाम करवी मतलब ये रेलवे स्टेशन से चित्रकूट राम घाट 9 किलोमीटर है। यहाँ से आपको 50 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से ऑटो मिल जाएगी जो आपको राम घाट में छोड़ देगी, और वहाँ पे होटल्स और धर्मशाला वगैरह भी है। पहुँच चुके हम राम घाट और आते बराबर हमको धार्मिक यात्रा भी दिख गई जिसमें दिन में हाथी देखने मिल रहा है। ये रहा घाट, नाव वगैरह, रात में पूरी लाइटें वगैरह जलती है इसमें। और ये सामने तुलसीदास जी का मंदिर, और ये पूरी दुकान बारिश के समय आधी आधी डूब जाती बता रहे थे, ये जो नीचे रहती है वही रघुवीर जी श्री रामचंद्र भगवान है जो तिलक करते हैं। वो पीछे मंदिर है, जो आवाज आ रही है वो वहीं के मंदिर की आ रही है। और ये हमारे पीछे में तुलसीदास जी का मंदिर है, ये तुलसीदास जी है और ये चंदन घिस रहे हैं यहाँ पे। और ये है सीढ़ी ऊपर जाने की, ऊपर आओगे तो ये हनुमान जी का मंदिर है। और ये बाहर का दरबार गेट बना हुआ है ऐसा कुछ, आइए अंदर चलते। ये रहा मंदिर पूरा। इस मंदिर के अंदर की प्रतिमा में शेष नाग और लक्ष्मण जी की प्रतिमा है। ये हनुमान जी के ऊपर सिक्के चिपका दिए। तो यहाँ पे भोलेनाथ जी राजा है, और उस रामचंद्र भगवान जब आए थे तो भोलेनाथ जी से इन्होंने पूछा था कि मैं क्या 14 वर्ष का वनवास यहाँ पे काट सकता हूँ इस धरा पे, इस चित्रकूट धरा पे। तो उनकी आराधना करके उनसे परमिशन लेके यहाँ पे वो 11.5 साल रहे, उसके बाद आगे चले गए थे। तो वही ये है चित्रकूट नगरी है जहाँ पे प्रभु जी 11.5 साल बिताए हैं वनवास के। और यही है वो भोलेनाथ जी का मंदिर। और जय हनुमान जी। इधर तो अभी सफाई चल रही है, ये मंदिर है। जय भोलेनाथ। आरती का वक्त है इस समय में। तो ये नाव सजा दी गई है आरती दिखाने के लिए। तो आ चुके हैं हम नाव में आरती देखने के लिए, और पीछे मेरे जैसे देख रहे हो आप नाव जा रही है, और बहुत ही अच्छे तरीके से इन लोगों ने सजाए यार, मज़ा आ गई। बिल्कुल बैठने में भी मज़ा आ रहा है जोरदार। अभी मैं नाव दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से। और हमने ले लिए पूजा की सामग्री दीप दान करने के लिए, अभी दीप दान भी करेंगे थोड़ी देर में। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। देखो यार एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, यहाँ पे नाव वाले पहले बहुत ज़्यादा रेट बोलते हैं, फिर आपने कम करोगे रेट तो ये खुद ही कम कर देते हैं।
वनवासी राम मंदिर है। ये जो पीछे आप मंदिर देख पा रहे हो मेरे, राम भगवान अयोध्या से चलकर जब वनवास के लिए आए थे तो उसे वो दिख रहे थे, उस टाइप से बताया जा रहा है कि इसके अंदर मूर्ति है, तो देखते हैं अभी चल के। और ये हनुमान जी है यहाँ पे, जो राम भगवान की पहरेदारी में है। यहाँ भगवान का जब वनवास हुआ तो भगवान चित्रकूट में वनवासी रूप में यहाँ के निवास किए थे। यहाँ पे वनवासी रूप में राम लक्ष्मण वनवासी भेष में है, जटाजी पहने हुए, पीताम्बर पहने हुए, और सीता जी को सती अनुसुईया ने श्रृंगार किया था। सीता जी श्रृंगार चित्रकूट में भगवान 11.5 साल रह कर तपस्या किए थे वनवासी भेष में। यहाँ पे वनवासी रूप में दर्शन है, हाँ यहाँ खड़े हुए हैं थोड़ा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये हनुमान जी की प्रतिमा है, बहुत बड़ी है, और इसके पीछे में वो मंदिर था जिससे अभी हम दर्शन करके आ रहे हैं। पहरा दे रहे हैं श्री राम भगवान के मंदिर में हनुमान जी महाराज। तो ये महाराज जी द्वारा ही यहाँ पे सब मंदिर बनाया गया। और जो आप मेरे पीछे मंदिर देख पा रहे हैं, यहाँ से राजा दशरथ जी का जब देहांत हो गया था तो जब पिंड दान कर रहे थे तो चारों भाई मिलके यहाँ पे बैठ के पिंड दान किए थे, और वो यह मंदिर है। यहाँ से जब भरत भैया के द्वारा पता चला कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, जी राम ने बहुत विदित हुए कि हमारे ही प्रेम के कारण पिताजी का स्वर्गवास हो गया। वशिष्ठ जी के समझाने बुझाने के बाद और आदेश देने के बाद भगवान राम ने दशरथ जी की आत्म शांति के लिए यहाँ पे पिंडदान अर्पण की क्रिया संपन्न की थी सारे समाज के साथ। इसलिए इस घाट का नाम है राघव प्रयाग घाट के नाम से विख्यात है। यहीं पे भी जाओ नरेश की बड़ी महारानी साहिबा रतन कुमार जो दिव्या ने मंदिर का निर्माण कराया और सरकार की स्थापना करवाई। आजीवन यही तपस्या करते हुए यहीं से उनको गौरवास हुआ। इन्हीं के इष्ट देव भगवान राम यहाँ रत्नेश्वर के रूप में विराजते हैं। परिवार का मंदिर है ये, भोलेनाथ का पूरा परिवार है इस मंदिर में। पति रामचंद्र की जय। पूरे घाट अभी घूम के आ रहे हैं हम लोग, राम घाट में जो अलग अलग घाट है उसको देख के आ रहे हैं और अलग अलग मंदिर के दर्शन करके आ रहे हैं। अब देखते हैं आगे कल और कुछ।